गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आज उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारी सबसे पहले हैं इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है, शुगर, एग, मीट और पीस। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, शुगर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इसको क्या बोलते हैं, वे गैंगा रोग बोलते हैं, जो कि हमारे गले के ऊपर बगल में सूजन आ जाती है। तो उसको डिसीज़ को कॉस्ट करने के लिए यानी कि किसका यूज़ करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, आयरन या सोडियम। तो मैंने आपको बताया था आयोडीन सॉल्ट को हम यूज़ करेंगे तो गोइटर डिसीज़ क्या होगी, कभी भी नहीं होगी। और अगर हम कॉमन सॉल्ट को यूज़ करेंगे तो ये गोइटर डिसीज़ क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर क्या आता है, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एंड विटामिन। तो उसके अंदर आएगा प्रोटीन। विच ऑफ दीज प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स इज इसेंशियल फॉर मसल डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट फॉर्म में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स। तो इसका आंसर प्रोटीन्स होगा। एंड फिफ्थ नाइट ब्लाइंडनेस, ये हमने पढ़ा था डिसीज के अंदर कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो वो कौन सा है, विटामिन ए। इसके बाद रिक्टस, अब रिक्टस जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं, जिसमें फर्स्ट में था सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, गोइटर डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन, एंड बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन, एंड न्यूट्रिएंट्स न्यूसेल्स डेवलपमेंट्स प्रोटीन्स, एंड नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, एंड रिक्टस ब्लाइंड डिसीज विटामिन डी। अब इसके बाद है आपके ट्रू फॉल्स। ये आपका फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इट इज ट्रू। एंड सेकेंड, फैट इज मेड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये हो जाएगा ट्रू। एंड थर्ड इज प्रोटीन्स आर नोन एज प्रोडक्टिव फूड, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ओट्स प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सभी क्या होते हैं, सभी प्रोडक्टिव फूड्स होते हैं। विटामिन डी कीप्स अवर बॉडी एंड स्किन हेल्थी। नंबर फिफ्थ, आयरन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। Deficiency or communicable disease
ये आगे हो गए आपके ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा एमसीक्यू और सेकंड हो गया ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो थर्ड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी। सेकेंड है विटामिन्स आर आ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। नंबर थर्ड विटामिन सी कीप्स टीथ जर्म्स एंड बोन्स हेल्थी। नंबर फोर कैल्शियम इज नीडेड फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्थी। नंबर फाइव मिनरल्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स। नंबर सिक्स मेरिस्मस इज अ डिसीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो बेटा, इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप नोट कर लेना, कल हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। इनमें कोई भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।